ऑफ एफ फॉर एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स कैसे डिफाइंड है? एफ ऑफ एक्स है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो इज माइनस वन इफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। तो हम जो कंटिन्यूटी चेक कर पाएंगे वो किस पॉइंट पर? एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पर। वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी गिवन है? माइनस वन। तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड जीरो पॉजिटिव एफ एक्स। सो क्या लिखेंगे? लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच, इसके इक्वल आएगा साइन जीरो प्लस एच साइन एच कॉस जीरो प्लस एच कॉस एच और यहां पर लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड जीरो। साइन जीरो की वैल्यू जीरो और कॉस जीरो की वैल्यू वन, और पहले माइनस है तो ये कितना आएगा? माइनस वन। इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो माइनस एफ एक्स, यह आएगा लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच, किसके इक्वल होगा? लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड जीरो साइन माइनस एच कॉस माइनस एच। साइन माइनस एच माइनस साइन एच हो जाएगा और कॉस माइनस एच प्लस कॉस एच हो जाएगा, या कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो हम इस साइन को चेंज नहीं करते हैं, इसे माइनस एच ही लिखा रहने देते हैं। और यहां पर जैसे लिमिट रखेंगे एस टेंडिंग टूवर्ड जीरो ये जीरो माइनस वन विच इज माइनस वन। तो ये फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूअस, क्योंकि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू फंक्शन सेम है। कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा लिया गया, ये अप्रोच यहां पर अप्लाइड है।